हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर श्रेया शर्मा वेलकम करती हूँ आप सभी का सावरन क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो हमारे डाइसेकेराइड्स थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। डाइसेकेराइड में हमने दो एग्जांपल कंप्लीट कर लिए थे। देखो डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, ऐसे शुगर्स जो दो मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड बोलते हैं। हमेशा जो शुगर की मोनोसेकेराइड यूनिट्स है उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वहां पर डाइसेकेराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। दो एग्जांपल थे हमारे पास में, माल्टोज और लैक्टोज, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, इनकी स्ट्रक्चर देख चुके हैं। आज हम इसका थर्ड एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं, सुक्रोज। तो देखो हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है, सुक्रोज है। देखो सुक्रोज क्या होती है, हमें जो हमारी शुगर केन होती है उनसे ऑप्टेंड होती है। किससे ऑप्टेंड होती है, शुगर केन से ऑप्टेंड होती है, या फिर हम बोल सकते हैं शुगर केन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। इसीलिए इसके सुक्रोज को हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड नेम केन शुगर भी। सुक्रोज का सेकेंड नेम इज केन शुगर, ठीक है। सुक्रोज क्या होती है, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करते हैं उसके बाद में जो फूड बनाएंगे उस फूड को स्टोर कर रहे हैं, तो जो स्टोरेज प्रोडक्ट होगा वो स्टोरेज प्रोडक्ट क्या होता है, सुक्रोज होता है। हम लिख सकते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का स्टोरेज प्रोडक्ट है इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के बाद में जो फूड स्टोर होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर होता है। देखो हमने जितनी भी शुगर पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, लैक्टोज पढ़ी थी और माल्टोज पढ़ी थी, दोनों कैसी शुगर थी, रिड्यूसिंग टाइप की शुगर्स थी, जबकि हमारी जो सुक्रोज है वो कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसी शुगर है ये, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी शुगर होती है, ऐसी शुगर जो बेंडिक्स और फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर आयन को रिड्यूस नहीं कर पाती उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं सुक्रोज की स्ट्रक्चर। देखो जो हमारी डाइसेकेराइड्स हैं सारी की सारी दो मोनोसेकेराइड यूनिट से बनती है। माल्टोज में हमारे पास में दो मोनोसेकेराइड यूनिट थी, कौन कौन सी, दो ग्लूकोज यूनिट थी। उसके अलावा लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में हमारे पास में दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स थी, कौन कौन सी थी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज थी। अब हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज में क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक अल्फा ग्लूकोज होती है एंड सेकेंड यूनिट इज अल्फा फ्रक्टोज, ठीक है। यहाँ पर दो यूनिट्स है, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा फ्रक्टोज। जैसे ही इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होने के बाद हमारे पास जो डाइसेकेराइड बनेगी वो कौन सी होगी, सुक्रोज होगी। तो देखो अल्फा ग्लूकोज, ग्लूकोज हमेशा पायरानोज रिंग में एग्जिस्ट करता है, तो हम पहले पायरानोज रिंग बनाते हैं। ये हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज की पायरानोज रिंग, ठीक है। ग्लूकोज पायरानोज रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखो कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा ग्लूकोज का मतलब क्या है, सिर्फ वन टाइम OH अपर साइड प्रेजेंट होगा और वो भी थर्ड प्राइम जो पोजीशन है, थ्री कार्बन नंबर जो पोजीशन है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपर साइड थ्री पोजीशन पे पहले ही रख दिया है ये H, ठीक है। यहाँ क्या बचेंगे, OH प्लेस हो गया है थर्ड पोजीशन पे, देन ये OH और ये CH2OH, ये क्या बन गया हमारे पास में, अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आ चुकी है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नंबर ऑफ कार्बन यूज होते हैं, कौन से कार्बन एटम यूज होते हैं, अल्फा ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो यूज किया जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जबकि अल्फा फ्रक्टोज का जो सेकेंड कार्बन एटम है वो यूज किया जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब देखो हम एक बार फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को यहाँ बनाते हैं। फ्रक्टोज कैसी रिंग में एग्जिस्ट करता है, हमेशा फ्यूरानोज रिंग में एग्जिस्ट करता है। फ्यूरानोज रिंग कौन सी रिंग होती है, वो रिंग जिसके अंदर चार कार्बन एटम रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं और साथ ही साथ एक ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व हो रहा है रिंग के अंदर, और उसके अलावा जो भी कार्बन एटम्स है वो रिंग से आउटसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रक्टोज हेक्सोज शुगर है, तो ये हम बनाते हैं यहाँ पर फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। ये क्या है हमारी फ्रक्टोज, ठीक है। अब देखो फ्रक्टोज भी कैसी है, अल्फा यानी कि थ्री कार्बन जो नंबर है, थर्ड प्राइम जो कार्बन नंबर एटम है उसमें OH का है अपर साइड पे प्रेजेंट है। देखो फर्स्ट CH2OH, ये हमारा फर्स्ट कार्बन नंबर एटम हो गया। ये सेकंड पॉइंट एंड पे कौन से होते हैं, हमेशा कार्बन एटम सोलिनेट करते हैं, ये क्या हो गया सेकंड। ये हमारा थर्ड कार्बन एटम है ये वाले पॉइंट पे, ठीक है।
तो इस पॉइंट पे OH अपर साइड प्रेजेंट होगा और H नीचे की साइड प्रेजेंट होगा लोअर साइड में. उसके बाद H OH देन ये H और यहाँ क्या आ जाएंगे CH2OH आ जाएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा, जो हमारे शुगर है उनके बीच में कौन कौन सा कार्बन एटम यूज किए जा रहे हैं, फर्स्ट कार्बन एटम और फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन एटम यूज किए जा रहे हैं. तो ये कौन सी पोजीशन है, वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स. अगर मैं इस पोजीशन को, यहाँ पर क्या है हमारे पास फोर्थ नंबर कार्बन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर सेकेंड नंबर कार्बन एटम प्रेजेंट है. अगर मैं इस पोजीशन को एज इट इज यहाँ से उठाऊं और यहाँ प्लेस कर दूं, ये कौन सा कार्बन नंबर एटम है, फर्स्ट कार्बन नंबर एटम है, किसका, अल्फा ग्लूकोज का. इस पोजीशन को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर देखो फोर्थ पोजीशन थी, ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन यहाँ आ जाएगी. सेकेंड पोजीशन यहाँ थी तो सेकेंड पोजीशन यहाँ आ जाएगी. बॉन्ड फॉर्मेशन हमें किसमें करनी है, अल्फा ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन और अल्फा फ्रक्टोज की सेकेंड पोजीशन. ये अल्फा ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन है लेकिन ये तो अल्फा फ्रक्टोज की फोर्थ पोजीशन है, यानी कि यहाँ तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी. ठीक है, मैंने ये स्ट्रक्चर उठाई, यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर दी. फोर्थ पोजीशन यहाँ क्या है, फोर्थ नंबर कार्बन एटम, यहाँ क्या है सेकंड नंबर कार्बन एटम, सेकंड नंबर कार्बन एटम यहाँ प्लेस कर दिया. ठीक है, देखो अगर मैं इसे यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर रही हूँ तो फोर्थ और फर्स्ट के बीच में बॉन्ड बन रहा है, जो कि हमें बनाना नहीं है. हमें किस में बनाना है, अल्फा ग्लूकोज की फर्स्ट और अल्फा फ्रक्टोज की सेकंड कार्बन एटम के बीच में. मैंने ये स्ट्रक्चर उठाई और यहाँ प्लेस की, यहाँ प्लेस किया तब क्या हुआ, यहाँ पर तो सेकंड कार्बन एटम आ गया, किसका, फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन एटम आ गया, लेकिन इस ग्लूकोज का कौन सा कार्बन एटम है, फोर्थ कार्बन एटम है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन सेकंड और फोर्थ के बीच में होगी, लेकिन हमें तो करनी नहीं है, यानी कि ये दोनों पोजीशंस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता ग्लूकोज और फ्रक्टोज. ठीक है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उठाऊं और उठा के एज इट इज प्लेस करने की बजाय इसे पलट दूं, यानी कि मैं इसके आगे मिरर लगा दूं. देखो हमारे पास में कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी नंबर है, हमेशा मिरर में क्या होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड दिखाई देती है और राइट साइड लेफ्ट साइड होता है. ठीक है, अगर मैं ये फोर है, ठीक है, मैंने ये काउंट किया है फोर को, ठीक है, फोर के आगे मैंने मिरर प्लेस कर दिया है. जैसे ही मैंने यहाँ मिरर प्लेस किया तो इसका जो राइट पोर्शन है वो हमें कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट पोर्शन में, और जो लेफ्ट पोर्शन है वो कहाँ चल जाएगा, राइट पोर्शन की साइड. तो हमें ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, फोर अपोजिट मिरर के अंदर इस तरीके से दिखाई देगा. अब यही जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के आगे मैं क्या कर रही हूँ, मिरर लगा रही हूँ. जैसे ही मैंने मिरर यहाँ लगाया तो सेकंड कार्बन एटम इस साइड आ जाएगा और फोर्थ कार्बन एटम उस साइड चला जाएगा. ऐसा ही होगा ना, देखो एज इट इज उठा के रख रही हूँ तो फोर और सेकंड आ रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते, मिरर लगा रहे हैं तो ये पोजीशंस अपोजिट हो जाती है, लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है मिरर के अंदर. ठीक है, तो इस पोजीशन के, इस स्ट्रक्चर के आगे भी मैंने क्या किया, मिरर लगा दिया. जैसे ही इसके आगे मिरर लगा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पोजीशन यहाँ आ चुकी, फोर्थ पोजीशन यहाँ आती, फोर्थ पोजीशन यहाँ चली जाएगी. ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को उठा के मैं यहाँ प्लेस कर दूंगी. जैसे ही ये स्ट्रक्चर यहाँ प्लेस करूंगी तो देखो सेकंड कार्बन एटम यहाँ है, फोर्थ कार्बन एटम यहाँ है, यहाँ फर्स्ट था यहाँ सेकंड था, हम इजिली बॉन्ड फॉर्मेशन करवा सकते हैं. बॉन्ड फॉर्मेशन हमें फर्स्ट और सेकंड के बीच में करवानी थी, इसीलिए हमने क्या किया, इसके आगे मिरर लगा दिया, यानी कि हमने इसके स्ट्रक्चर को पलट दिया. अब देखो यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रक्टोज की, स्ट्रक्चर जो हमने मिरर लगाने के बाद की है. तो ये हमारे पास में ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या हो गए हमारे फ्रक्टोज की फ्यूरानोज रिंग हो गई. अब देखो ये जो फर्स्ट, ये वाला पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, ये इस साइड में आ चुका है. ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH2OH, ठीक है, उसके बाद सेकंड थर्ड इधर आ चुकी है OH, H, यहाँ पर H, OH और ये H एंड देन ये CH2OH. ठीक है, तो ये क्या हमारे पास में क्या किया, हमने फ्रक्टोज के आगे मिरर प्लेस कर दिया ताकि उसके पोजीशंस चेंज हो जाए. जैसे ही मिरर प्लेस किया पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन चेंज होके हमने उसको वहां उसके आगे प्लेस करवा दिया. अब जो ग्लूकोज की फर्स्ट था उस फर्स्ट के आगे क्या आ चुका है, फ्रक्टोज का सेकंड नंबर कार्बन एटम आ चुका है. कि फर्स्ट कार्बन एटम ये रहा, ये सेकंड नंबर कार्बन एटम, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेकंड आ चुका. हमें बॉन्ड फॉर्मेशन फर्स्ट और सेकंड के बीच में करनी थी, यहाँ पर हम बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. अब देखो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा क्या होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है और H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है. अब यहाँ से हमें H2O रिलीज करना है, तो H2O रिलीज करने के लिए हमने क्या किया,
ये हाइड्रोजन था, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन लिया, यहाँ से एक H2 और एक O ले लिया, ठीक है, एक H ले लिया और एक OH ले लिया, ये पोजीशंस। यहाँ हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी, देखो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी, ठीक है, ये क्या थी हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ से चला गया है, ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, OH प्रेजेंट है ना यहाँ पर, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन जाते हैं यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को मैं यहाँ प्लेस कर रही हूँ इनके सेंटर में, बोन के सेंटर में। उसके बाद ये स्ट्रक्चर थी, ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रही हूँ, किसकी स्ट्रक्चर है, ये हमारे फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ठीक, यहाँ क्या था सी एच टू ओ एच इस वाली पोजिशन पे, ये एच इस पोजिशन पे, तो यहाँ इस साइड में क्या था एच और सी एच टू एच। अब देखो यहाँ से ओ एच रिलीज हो गया, सिर्फ क्या रहता है सी एच टू, तो यहाँ पर हम इस बॉन्ड फॉर्मेशन को इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास में कौन सा बॉन्ड बना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। कैसा बॉन्ड है, देखो हमने दो बॉन्ड्स पढ़े थे, जो इस तरीके का बॉन्ड था उसे हम अल्फा बॉन्ड बोल रहे थे, ठीक है, और जो ऐसा बॉन्ड बन रहा था उसे हम क्या बोल रहे थे, बीटा बॉन्ड बन रहे थे। यहाँ पर अल्फा बॉन्ड बन रहा है हमारे पास में, किस किस के बीच में, अल्फा ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन एटम और अल्फा फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन एटम के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो हमारे पास ये जो रेजिड्यू फॉर्म हो रहा है, इस रेजिड्यू का नाम क्या है, सुक्रोज रेजिड्यू, ठीक है। सुक्रोज हमें शुगर केन में मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है, इसीलिए हम इसे केन शुगर बोलते हैं। सेकेंड, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, स्टोरेज प्रोडक्ट, साथ ही साथ ही कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है ये, क्योंकि ये जो बेंडिक्स और फेलिंग सॉल्यूशन है वहां पर कॉपर आयन को रिलीज नहीं कर पाते, कॉपर आयन को रिड्यूस नहीं कर पाते। अब देखो हमारे डाइसेक्राइड्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट मोनोसेक्राइड, सेकेंड ऑलिगोसेक्राइड एंड थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड। हम जो मोनोसेक्राइड्स थी और ऑलिगोसेक्राइड्स थी, ऑलिगोसेक्राइड में हमारे पास में डाइसेक्राइड ट्राइसेक्राइड आ रही थी। ट्राइसेक्राइड का एग्जांपल क्या था, रेफिनोज। ट्राइसेक्राइड का एग्जांपल क्या है, रेफिनोज। ये रेफिनोज क्या होती है, एक ट्राइसेक्राइड है, थ्री कार्बन जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स है उससे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वहां पर, एंड देन ये रेफिनोज की स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में डाइसेक्राइड कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा ऑलिगोसेक्राइड के बाद, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स किस में चले जाते हैं, हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर चले जाते हैं। तो ये पॉलीसेक्राइड के बारे में हम जब मैक्रोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे उस टाइम पर पढ़ेंगे, अभी हमने सिर्फ जो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे वो कंप्लीट किए हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स में स्पेशली कौन सा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इसके अलावा हमारे पास अमाइनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स अभी बचे हुए हैं, ठीक। तो अब देखो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर हम उनके यूज की बात करें तो कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें हम, तो बिल्डिंग प्रोडक्ट, बॉडी बिल्डिंग के अंदर रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग प्रोडक्ट है ये, बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्ट है, यानी कि फ्यूल प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास में कुछ फंक्शंस हो गए, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का स्टोरेज प्रोडक्ट है सुक्रोज, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल है वो क्या है, लिपिड है। नेक्स्ट माइक्रोमोलिक्यूल क्या है हमारे पास में, लिपिड्स। देखो जो लिपिड्स है ना वो इतने सिंपल भी नहीं होते हैं कि उन्हें माइक्रोमोलिक्यूल्स में रखे हैं, और वो इतने लार्ज या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं है कि उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर रखें, लेकिन इनकी कुछ जो प्रॉपर्टीज है, जो हम माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी पर इनको डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग लिपिड्स को हम माइक्रोमोलिक्यूल्स में प्लेस करते हैं। लिपिड्स को हम किस में प्लेस करते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। तो देखो लिपिड्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और कर लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स का। देखो सारे के सारे जो डाइसेक्राइड्स थे वो किससे बन रहे थे, हमारे मोनोसेक्राइड यूनिट से, हेक्सोज शुगर से। हेक्सोज शुगर के एग्जांपल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। एक यूनिट हो गई ये हमारी, सेकेंड यूनिट हो गई C6H12O6। ये क्या है, दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स है, आपस में बाइंड हो रही है। आपस में बाइंड होने के बाद यहाँ क्या रिलीज आउट हो रहा है, हमारे पास एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है हमारे पास में, एक H2O मॉलिक्यूल। तो अगर हमसे कोई पूछे क्या कि जितने भी डाइसेक्राइड्स हैं उनका एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो उस जनरल फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों में से एक दो हाइड्रोजन को और एक ऑक्सीजन को रिमूव आउट कर देंगे, और हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बचेगा वो किसका बचेगा, हमारे डाइसेक्राइड्स का। तो देखो C6 कितने हो गए, C12 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 12, यहाँ पर 12, टोटल कितने हो गए,
24 हो गए, लेकिन उस 24 में से हमें 2 हाइड्रोजन को रिमूव आउट करना है, तो 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22, तो हमारे पास में क्या बचेगा, H22, ठीक है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, देन ऑक्सीजन कितने हमारे पास में, 6 प्लस 6 कितने हैं, टोटल 12 है, लेकिन एक ऑक्सीजन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, क्या हो जाएगा ये O11, तो ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास में C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला है, एक जनरल फॉर्मूला है सभी डाइसैकेराइड्स के लिए, क्या है ये, डाइसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला है C12H22O11। कैसे डिराइव किया हमने, ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स थी, फर्स्ट वन C6H12O6, क्योंकि हम ज्यादातर हेक्सो शुगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में C6H12O6 दोनों हेक्सो शुगर की कॉम्बिनेशन से हमारे पास में डाइसैकेराइड बनता है और H2O रिलीज हो जाता है, H2O को दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनके कॉम्बिनेशन से रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, C12H22O11। ये क्या है, एक डाइसैकेराइड का एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लिपिड्स के बारे में। देखो लिपिड्स क्या होते हैं, जनरली नॉन पोलर होते हैं, लिपिड्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी, पढ़ी होगी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, क्या होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेम के अंदर सेम डिजॉल्व होगा, ठीक है, कोई भी दो डिफरेंट चीज आपस में मिल नहीं सकती है, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में जो सेम चीजें हैं या डिफरेंट चीजें, वो किस रिस्पेक्ट में है, पोलैरिटी के नेचर के अंदर है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, हम क्या बोलते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका मतलब क्या है, कोई पोलर जो मॉलिक्यूल है वो किसके अंदर डिजोल्व होगा, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, पोलर मॉलिक्यूल पोलर में डिजोल्व होगा, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है वो किसके अंदर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो लिपिड्स हैं, वो लिपिड्स कैसे बताया मैंने आपको, नॉन पोलर बताया, यानी कि वो पोलर के साथ में इनसॉल्युबल है, डिजोल्व नहीं होंगे, जबकि नॉन पोलर के साथ में सॉल्युबल है और डिजोल्व हो जाएंगे। पोलर क्या हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट मैक्सिमम हम क्या यूज करते हैं, वाटर यूज किया जाता है, तो जो हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, किसमें इनसॉल्युबल है, वाटर में, क्यों, क्योंकि लिपिड्स नॉन पोलर है, जबकि वाटर कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो नॉन पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए लिपिड्स क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। उसके अलावा नॉन पोलर में डिसॉल्व हो रहा है, नॉन पोलर में हमारे पास में ईथर, ठीक है, ईथर आते हैं, एस्टर्स आते हैं, ये सब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो या फिर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें, क्या बोल सकते हैं हम इनको, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है, जबकि H2O कैसा सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि वहां पर कोई कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो लिपिड्स नॉन पोलर है, नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल होंगे, कौन से नॉन पोलर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एस्टर या ईथर के अंदर, ठीक। अब हम लिपिड्स क्यों क्लासिफाई करते हैं, देखो लिपिड्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास में दो टाइप्स की लिपिड्स होती हैं, एक होती है सिंपल लिपिड, फर्स्ट वन इज सिंपल लिपिड, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज कॉन्जुगेटेड लिपिड, ठीक है। अब देखो सिंपल लिपिड, कोई भी जो लिपिड है उस लिपिड के अंदर दो मॉलिक्यूल्स यूज किए जा रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स के अंदर दो कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेरी कर सकते हैं। दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सा, फर्स्ट होता है ग्लिसरॉल, एक होता है ग्लिसरॉल, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज फैटी एसिड, सेकेंड कंपोनेंट इज फैटी एसिड, ठीक है। जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में बाइंड कर रहे हैं, तब हमारे पास में सिंपल लिपिड्स की फॉर्मेशन हो रही है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास में, सिंपल लिपिड्स की, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल लिपिड क्या है, जब ग्लिसरॉल या फैटी एसिड आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास में सिंपल लिपिड्स की फॉर्मेशन हो रही है। हम बोल सकते हैं एस्टर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक फैटी एसिड चेन, ठीक है। कॉन्जुगेटेड लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड का मतलब क्या होता है कि सिंपल लिपिड के साथ में कोई एक और पॉइंट, एक और कंपोनेंट अटैच करवा दिया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड लिपिड बोलेंगे। अब देखो कॉन्जुगेटेड लिपिड में हमारे पास में बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से, लिपो प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइको लिपिड, ठीक है, उसके बाद में सॉरी लिपो प्रोटीन तो प्रोटीन का कंपोनेंट आ जाएगा, कॉन्जुगेटेड में लिपो प्रोटीन नहीं आएगा, लिपो प्रोटीन
आएगा, सॉरी लिपोप्रोटीन, करेक्ट लिपोप्रोटीन। कैसे देखो अभी बताती हूँ मैं आपको, जो हमारी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है वो लिपोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है एंड देन फॉस्फोलिपिड, ठीक है फॉस्फोलिपिड। लिपिड जो टर्म यूज हो रही है यहाँ पर लिपिड और ये लिपो किसके लिए यूज हो रही है, नॉर्मली जो सिंपल लिपिड है उनके लिए यूज की जा रही है। कॉन्जुगेटेड लिपिड में हमें क्या करना है, सिंपल लिपिड्स के साथ में एक और कंपोनेंट की बाइंडिंग करवा देंगे। जैसे ही कोई दूसरा कंपोनेंट बाइंड होगा सिंपल लिपिड के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड लिपिड बोलेंगे, ठीक है। अब वो जो दूसरा कंपोनेंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं लिपिड्स के अलावा, ठीक है, प्रोटीन्स हो सकती हैं, ठीक, फॉस्फेट हो सकते हैं। जब हमारे लिपिड्स के साथ में प्रोटीन्स बाइंड करेंगे तो उस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, लिपो प्रोटीन। जब हमारे लिपिड्स के साथ में प्रोटीन्स की बाइंडिंग होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिपोप्रोटीन बोलेंगे। अगर हमारे लिपिड के साथ में कोई कार्बोहाइड्रेट बाइंड कर रहा है, क्या बाइंड कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स की बाइंडिंग के लिए हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यूज करते हैं ना, तो वहीं से ग्लाइको वर्ड को उठाया और हमने लिपिड के आगे प्लेस कर दिया, तो ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन होगी। ग्लाइकोलिपिड्स के हमारे पास एक कंजुगेटेड लिपिड है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लिपिड के साथ में कोई फॉस्फेट अटैच करवा दें, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा दें, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड बोलेंगे, ठीक है। फॉस्फेट या फिर हम फॉस्फोलिपिड हमें मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास लिपिड्स टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज सिंपल लिपिड, सेकेंड वन इज कॉन्जुगेटेड लिपिड। सिंपल लिपिड में ओनली ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स आपस में बाइंड करेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेटेड लिपिड में जो सिंपल लिपिड है उसी के साथ में एक और कंपोनेंट आ जाएगा, अगर प्रोटीन आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिपो प्रोटीन, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइको लिपिड। अगर फॉस्फेट्स आते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड हमें मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन में यूज होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो हमारे पास में आता है सिंपल लिपिड, हमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जो चेन है इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। देखो जो हमारी फैटी एसिड्स होती हैं, जो फैटी एसिड चेन है वो टू टाइप्स की होती हैं, फैटी एसिड चेन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन, सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन, ठीक है। सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन क्या होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन क्या होती है, ग्लिसरॉल क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करके ये सिंपल लिपिड की फॉर्मेशन करवाते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने क्या किया है, सिर्फ सुक्रोज की स्ट्रक्चर के बारे में देखा है, ठीक है। सुक्रोज का हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी के किसके लिए है, सभी के सभी जो हमारे डाइसेकेराइड्स हैं उनके लिए है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या किया, लिपिड्स के एक ओवरव्यू लिया है, लिपिड्स टू टाइप की हैं, सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड में हमारे पास सिंपल लिपिड के साथ में अलग अलग कंपोनेंट्स बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा, अगर आपको इसमें कहीं पे भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर्स को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो एंड सावन क्लासेस को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।